ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

अल्लाह रबुलामी ने बनु इसराइल पर अपने इस इनाम और इकराम का जिक्र किया है कि उन लोगों ने एक दफ़ा यहाँ तक मुतालबा कर दिया कि हमें अल्लाह ताला को देखना है तो इस पर अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल किया और सबके सब मर गए लेकिन फिर मौसा आलाम ने दुआ फरमाई तो वो सब जिंदा हो गए तो अल्लाह ताला ने ये बनु इसराइल को याद दिलाया कि ये कितना बड़ा अल्लाह के तमाम है कि तुम्हें मौत देने के बाद दोबारा ज़िंदा कर दिया इस आयत में चूंकि इस बात का जिक्र है कि उन्होंने मुतालबा किया कि अल्लाह तला को देखना है तो आइए इस हवाले से कुछ बातें मैं आपके सामने रख दूँ कि इस दुनिया में कोई अल्लाह तला को देख सकता है कि नहीं इसी तरह से इस दुनिया में ख़्वाब की हालत में कोई अल्लाह तला को देख सकता है कि नहीं और आखिरत में कोई अल्लाह तला को देख सकता है कि नहीं तो ये चंद चीज़ें हैं मैं आपके सामने वाज़ कर दूँ सबसे पहली बात कि इस दुनिया में खुली आँखों से कोई अल्लाह तला को देख सकता है कि नहीं यानी ये जो आंखें इंसान के सर में है इन आंखों से जागती हुई कोई देख सकता कि नहीं तो इस पर तो सबका इतफ़ाक़ है कि ये मुमकिन नहीं है किसी भी इंसान के लिए चाहे वो इंसान हो नबी हो, हो कोई भी हो किसी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि इस दुनिया की इन आंखों से अल्लाह तला का दीदार कर सके देख सके यह नामुमकिन है सही मुस्लिम वगैरह की अदी से मौजूद है इस तलुक़ से दूसरी बात यह कि इन आंखों से नहीं लेकिन ख्वाब में जैसे ख्वाब में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो क्या ख़्वाब में अल्लाह ताला को देखा जा सकता है कि नहीं क्योंकि ख्वाब में तो ये आंखें नहीं काम कर रही होती हैं ख्वाब में तो एक तसौराती चीज़ होती है एक ख्याली चीज़ होती है या कोई ऐसी तमसीली चीज़ होती है जिसको हम देखते हैं तो ख्वाब में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर किसी ने देखा आप की अपनी शक्ल में तो ये झूठा ख्वाब नहीं हो सकता क्योंकि शैतान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल नहीं अपना सकता है तो क्या ऐसे ही कोई शख्स अल्लाह ताला को भी ख्वाब में देख सकता है कि नहीं देख सकता है तो इस हवाले से सेमा कराम का इख्तिला है बादज़लमा का कहना यह है कि ख्वाब में भी अल्लाह ताला को कोई नहीं देख सकता है और बादज़ल्मा का कहना यह है कि ख्वाब में अम्बिया आलम या नेक लोग अल्लाह तला को देख सकते हैं ये दूसरा कौल है पहला कौल ये है कि कोई नहीं देख सकता अल्लाह त्वाब में भी और दूसरा कॉल उसके उल्टा है कि कोई भी देख सकता है खास तौर से अम्बिया आलम्सम या नेक लोग कोई भी ख्वाब में अल्लाह ताली को देख सकते हैं और तीसरा कॉल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और नहीं देख सकता है असल में एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सोन त्रमजी वगैरह की जिसमें यह जिक्र है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में अल्लाह तै को देखा है तो उस हदीस का जो वो टुकड़ा है वो सही है या नहीं इसमें भी इख्तलाफ है जो लोग कहते हैं कि कोई भी अल्लाह तला को नहीं देख सकता है वो उस हदीस को सही नहीं मानते हैं और जो लोग कहते हैं कि कोई भी देख सकता है वो उस हदीस को सही मानते हैं और उसी से इतलाहाल करते हैं और जो लोग कहते हैं कि सिर्फ नबी देख सकते हैं वो उस हदीस को सही मानकर नबी के साथ खास करते हैं बाकी आम लोगों के बारे में ये नहीं कहते हैं कि वो भी अल्लाह को देख सकते हैं इस सिलसिले में सही बात जो मालूम होती है वह यही कि अगर वो हदीस सही है तो सिर्फ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से कहा जा सकता है कि आप ने ख़्वाब में देखा होगा आपकी बहुत सारी खसूसियात हैं लेकिन आम लोगों के लिए वहाँ से सबूत नहीं मिल सकता है कि एक आम आदमी भी अल्लाह तला को देख सकता है गर्जी बहुत सारे उलमा ने कहा है कि एक आम शख्स भी जो नेक है वो अल्लाह तला को ख़्वाब में देख सकता है लेकिन इस बात की कोई दलील ना कुरान में मिलती है ना अल्लाह के नबी सल्ला वसम की अदीस में मिलती है आम शख्स के लिए कि कोई भी देख सकता है इसलिए बहुत सारे उलमा इसको नहीं मानते शेख हलमानी रह से एक मरतवा पूछा गया कि क्या ख्वाब में अल्लाह को देखा जा सकता है तो उन्होंने कहा कि ऐसा लोग कहते हैं अल्लाह अल्लाम शेख अब्नसमिन कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और के लिए ये साबित नहीं है बस लोग बयान करते हैं तो बहुत सारे उलमा के अल्फाज आप देखें उनके जवाब देखें तो उस पर वो मुतमिन नज़र नहीं आते हैं कि कोई भी देख सकता है और यही बात सही मालूम होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो अल्लाह ताली को देखे इस बात का कोई सबूत नहीं है और जन्नत में एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह को देखना तो जो जन्नत की बातें हैं वो जन्नत ही तक रहें तो बेहतर है वो सारी चीज़ें दुनिया भी, भी आदमी देख ले ये बहुत अजीब बात है तो बहरहाल इस चीज़ का कोई सबूत नहीं अगर सबूत है तो कोई मसला ही नहीं बस लोगों के अपने कयास हैं अपने ख्याल हैं अपनी राय है लेकिन इस चीज का कोई सबूत नहीं है तो ये तो बात हो गई दुनिया में अल्लाह तला को देखने से मुतलिक खुली आंखों से कोई नहीं देख सकता सबका इतफाक है नींद के ताल्लुक से इख्तलाफात हैं जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया है ये तो दुनिया की बात होगी मरने के बाद जब क्यामत के बाद अल्लाह तला जब दोबारा सारे इंसानों को जिंदा करेगा तो उस वक्त लोग अल्लाह तला को देख सकेंगे नहीं तो देखिए उस वक्त जो नेक लोग होंगे जो अच्छे लोग होंगे वो अल्लाह ताला को देख सकेंगे लेकिन जो बुरे हैं जो जहन्नमी लोग हैं वो ना इस दुनिया में अल्लाह ताला को देख सकें मरने के बाद भी अल्लाह ताला को नहीं देख सकेंगे ये जो दुनिया में बहुत सारे लोग आखिरत को नहीं मानते अल्लाह तला को नहीं मानते और इस तरीके सवालात करते ना कि अगर अल्लाह तै है तो दिखाओ कहाँ है तो ये मरने के बाद जब जहन्नम में जाएंगे वहाँ जलेंगे वहाँ तपेंगे वहाँ झुलसेंगे लेकिन अल्लाह को देखना नसीब नहीं होगा लेकिन जो जन्नती होंगे ईमान वाले होंगे इस दुनिया में इन्होंने अल्लाह तला को तो नहीं देखा लेकिन मरने के बाद अल्लाह तला उनकी आंखों में वो क़ुत पैदा करेगा कि वो अल्लाह तला को देख सकेंगे ये बात कुरान और हदीस दोनों में है कुरान में देखें सूर्य क्याम आयत नंबर 22 और 23 में है अल्लाह तला कहता है वो जू हुई योम दिन ना तो उस वक्त कुछ नेक लोग होंगे जिनके चेहरे तरोताज़ा होंगे इला रबा ना वो अपने रब की तरफ देख रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे कुरान में बहुत ही वाज तौर पर है कि जो नेक लोग होंगे जिनके चेहरे तरोताज़ा होंगे वो अल्लाह को देख रहे होंगे और इस माना कि बहुत सारी अहादीस भी हैं चंद अहादीस आप देखें जैसे एक हदीस है सही बुखारी की अबू हरेरा रजी हदीस के रावी हैं कहते हैं कि अनना सक या अल्लाह हल ना रब बना योमक़्याम के लोगों ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम क्यामत के दिन अपने रब को देख सकेंगे कला हल तुमारूना फिल कमरी बदरी लई से दू नाब कहा कि चांदनी रात में जब चांद को तुम देखते हो जो बदरी ना हो और चांद को देखते हो तो चांद को देखने में कोई दिक्कत होती है कोई परेशानी होती है कल उल्ला या रसूल्ला नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال فهل تمارون सल्लाई सदू नहा साहब कहा दिन में जब सूरज निकला हो कोई बदली ना हो तो सूरज को देखने में कोई दिक्कत है कोई तकलीफ है खालूला कहा नहीं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की मिसाल दी सूरज की मिसाल दी इस धरती पर कितने लोग आबाद हैं लेकिन चांद को देखना होता है तो कोई भगदड़ नहीं है कोई भी चैनी नहीं है कोई भी कहीं से खड़ा होकर चांद को देख सकता है कोई भी कहीं से इतमान से सूरज को देख सकता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फुम तारो कज़ालिक कि तुम लोग ऐसे ही अल्लाह ताला को देखोगे यानी क़यामत के दिन ऐसे ही अल्लाह तबारक व तै को देखोगे तो ये हदीस बहुत ही वाजे है कि अल्लाह ताला को क़यामत के दिन देखा जा सकता है जो नेक लोग होंगे वो अल्लाह ताला को देखेंगे यहाँ पर एक बात वाजे कर दूँ कि यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जो चाँद और सूरत का जिक्र किया तो अल्लाह ताला की तस्बी चांद और सूरज से नहीं दी है बल्कि क़्यामत के दिन जो हम देखेंगे हमारा दीदार होगा और इस वक्त जो सूरज और चांद का हमारा दीदार होता है तो इस दुनियावी दीदार की तस्वीर उस दीदार से दी है यानी जो हम सूरज और चांद को देखने थे तो हमारे देखने की जो हमारी कैफियत होती है कि जिस तरह से हम देख रहे होते हैं ये जो हमारी कैफियत है और उस वक्त जो हम अल्लाह ताला को देख रहे होंगे तो उस वक्त जो हमारी कैफियत होगी तो हमारी कैफियत की तस्वीर हमारी कैफियत से दी गई है यानी आखिरत में जो हमारी कैफियत होगी उसकी तशबी दुनिया में हमारी कैफियत से दी गई है अल्लाह की तस्वीर नहीं दी गई है अल्लाह की तशबी सूरज चांद से नहीं दी गई है हमारी एक हालत की तस्वीर एक दूसरी हालत से दी गई है ऐसे ही सही बुखारी की हदीस है चार हजार आठ सौ इक्यावन जरीर बिन अब्दुल्ला रज कहते हैं कि कुन्ना जुलूसन लई लत नबी सब एक रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे

अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखो कि वहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं कोई भगदड़ नहीं कोई बेचैनी नहीं कोई परेशानी नहीं होगी तो अल्लाह तला अल्ला को देखोगे तो ये हदीस भी है कि अल्लाह अल्ला को क्यामत के दिन देखा जा सकता है जो नेक लोग होंगे वो अल्लाह ताली अल्ला को देखेंगे एक और हदीस से देखें सही मुस्लिम की हदीस नंबर एक सौ इक्यासी सहेब रज़ी अल्लाह अल्ला के नबी सल्लासम से रिवायत करते हैं कहते हैं कि आप सल्लाम ने फरमाया इदा दखला फरमायादलाजन्नतिजन्नत कि जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल हो जाएंगे खाल यबारक वाल तो अल्लाह तबारक वाली जन्नतियों से कहेगा तूरी दू नई दुकुम जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ताला पूछेगा कि यहाँ तो बहुत सी चीज़ें मैंने तुमको दिया लेकिन क्या कुछ और चाहिए और भी कुछ मतलूब है फ़कूल तो बजुहना जन्नता वन जीना मिनन्नाथ तो जन्नती कहेंगे कि अल्लाह ला क्या तूने हमारे चेहरों को रोशन नहीं कर दिया क्या तूने हमको जन्नत में नहीं दाखिल कर दिया क्या तूने हमको जहन्नम से नहीं बचाया ये बहुत है कि जहन्नम से हम बच गए और हम सुरखरू हुए और हम जन्नत में दाखिल हुए खाला फेफुलजाब कहते हैं कि फिर अल्लाह ताला हिजाब को पर्दे को हटाएगा फमा तो शईब्ब तो उस वक्त जन्नती अल्लाह ताला को देख सकेंगे और जब जन्नती अल्लाह ताला को देखेंगे जिस लम्हा अल्लाह ताला का दीदार होगा तो जन्नतियों को लगेगा कि इससे बड़ी नेमत कोई और हमको नहीं मिली है ये जन्नत में सबसे बड़ी नेमत होगी कि अल्लाह ताला को देखा जा सकेगा जो जन्नती होंगे वो अल्लाह को देख सकेंगे तो ये और इस तरह की बहुत सारी अहादीस हैं तो कुरानी आयत और अहादीस मौजूद हैं कि मरने के बाद जो ज़िंदगी होगी उस वक्त जो नेक लोग होंगे सब नहीं जो नेक लोग होंगे जन्नती होंगे वो अल्लाह तबारक व तआला को देख सकेंगे तो इन आयात में जो अल्लाह तआला के दीदार की बात आई अल्लाह तआला को देखने की बात आई तो इस हवाले से कुछ बातें आपके सामने रख दी गई हैं अब हम उन आयात की तरफ बढ़ते हैं जिसे हमने अभी आपके सामने पढ़ा है अल्लाह तआला फरमाता है अलैकुमुल गमामा कि हमने बदली से तो पर बादल का साया किया देखिए ये भी बनु इसराइल पर अल्लाह रब्लम की बहुत बड़ी नमत है कि वो मूसा इस्लाम के साथ मैदान में चल रहे थे तो उन्होंने ज़िद किया कहा कि देखो धूप लग रही है हम परेशान हैं तो इस धूप से बचने का कुछ इंतज़ाम करो तो अल्लाह रब्लम ने इस कौम के लिए बनु इसराइल के लिए क्या इंतज़ाम किया ऊपर से बादल भेज दिया तो बादल इनको साया कर रहे थे ये चलते जा रहे थे साथ में बादल भी जा रहे थे इतनी बड़ी इनायत इन पर इतनी बड़ी नेमत कि धूप में ये चल रहे हों तो सरों के ऊपर बादल चल रहे हों बादल इनको साया कर रहे होंगे तो इनकी फरमाइश पर अल्लाह तबारक वाले ने इनके लिए साए का भी इंतजाम किया ये बहुत बड़ी नेमत है इनके लिए आगे लगता है वह अनजल नन्ना वसलवा और हमने तुम पर यानी बनो इसराइल पर यह पूरा खिताब यह पूरी आयत बनु इसराइल ही से मतलब है ये आयत इससे पहले इन सारी आयत में अल्लाह ताला एक एक करके अपनी उन नेमतों को शुमार कर रहा है जिन नेमतों को अता किया था अल्लाह ताला ने तनु इसराइल को और इन नेमतों को याद दिलाकर अल्लाह तस्राइली से यहूदियों से ये कह रहा है कि तुम्हारा ये हक बनता है तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है इन नेमतों के तशक् में तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम अल्लाह की वही पर ईमान लाओ कुरान पर ईमान लाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाओ तो ये अल्लाह ताला एक-एक नेमतें याद दिला रहा है तो उन्हीं में से एक नेमत नियमत बहुत बड़ी नेमत है कि वह अल्लाह ताला कहता है कि हमने तुम पर मन्न सलवा नाजिल किया बात यह थी कि जब इसराइलियों ने मूसा इस्लाम के साथियों ने मूसा इस्लाम से कहा कि आप हमारे लिए साय का इंतजाम करें कि भाई हमें तो धूप लग रही है तो अल्लाह ने उसका इंतजाम कर दिया तो अब इन लोगों ने कहा कि हमें खाना भी चाहिए देखिये कैसी कौम थी जो जो मांगते थे अल्लाह अता करते थे इंसानियत की पूरी तारीख पढ़ डालिए इतनी ज्यादा नेमतें किसी और कौम को नहीं मिली है कि चल रहे हो तो बादल साया कर रहा हो और खाने के लिए कहते हैं कि बना बनाया हमारे लिए चाहिए कुछ लाओ खाने का इंतजाम खुद करो हम नहीं ढूंढने वाले खाना हम नहीं कमाने वाले हम नहीं बंदोबस्त करने वाले ए साल इस्लाम आप अल्लाह तला से कहो हमारे लिए खाने पीने का बंदोबस्त करें अल्लाह तबारक वाली ने इनकी ये फरमाइश भी पूरी की और अल्लाह ताली कहते हैं वह अनकमन्न वसलमा हमने मन्न सलवा नाजिल किया ये मन क्या है इसकी तफसीर में इसकी तशरी में बहुत सारी बातें कही गई हैं एक बात ये कही गई कि हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला की नेमत है ममनून से है ये और एक बात ये कहेगी कि खाने की बहुत सारी अकसाम बहुत सारी किस्में यानी अल्लाह ताला ने उनको खाने के लिए बहुत सारे इंतज़ाम किए थे यानी तरह तरह के खाने थे उन सब का नाम मन था यानी मन में वो सब चीज़ें आ जाती कोई एक चीज़ नहीं है बल्कि कई सारी चीज़ें हैं जो खाने के लिए अल्लाह ताला उनकी खातिर उतारता था और उन्हीं खानों का नाम मन होता था इसकी तरफ इशारा एक हदीस से मिलता है सही मुस्लिम की एक हदीस है हदीस नंबर दो हदीस के रावी सईद बिन जैद बिन अमर बिन नफैल हैं कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल कम अतु मिनल मन कम आ एक पौधा है और कहा कि ये मन में से है मिनल मन लदी अनु तबारक वाली अला बनी इसराइल ये उस मन में से है जिसको अल्लाह ने बनु इसराइल पर नाजिल किया था तो अल कम अतु कम आरबी लफ्ज़ है इसका क्या मतलब होता है तो इसको उर्दू में या इंग्लिश में कहते हैं मशरूम एक तरह का पौधा होता है जो कहीं पर बेला कोशिश के ऐसे ही उगाता है ऊपर छतरी की तरह से होता है नीचे एक डाल की तरह से होता है जमीन में लगा रहता है ऊपर ऐसे छतरी की तरह से बना हुआ था तो इसको कहते हैं कम आ इसको मशरूम कहते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल लजी फरमायाल् तबारक ये कम आ ये उसी मन में से एक है जिसको अल्लाह तबारक ने बन इसराइल के लिए नाजिल किया था वह माउहा शेफाइन इसके पानी में आंखों के लिए शिफा है इसका जो पानी है इस पानी में आँख के लिए शिफा है आँख की कोई बीमारी है तो ये पानी आँख को ठीक करता है तो इस हदीस में जो कम मन कहा गया है तो महादसे ने शारीन हदीस ने इसका दो मतलब लिया एक मतलब तो इसका हकीकी माना है यानी जो माना दिख रहा है वही माना है कि ये मशरूम उस मन में से है जो बनो इसराइल पर नजर किया गया जबकि बाज़ शिन हदीस ने कहा है कि नहीं ऐसा नहीं है ये उस मन में से तो नहीं है जो बनो इसराइल पर नाजिल किया गया लेकिन ये कैफियत में उस मन से मिलता जुलता है यानी जो मन नाजिल किया था अल्लाह ताला ने बनू इसराइल पर उसके लिए बनो इसराइल को कुछ मेहनत नहीं करनी होती थी कोई खेती नहीं करनी होती थी कोई सब्जियां नहीं उगानी पड़ती थी वो बैठे बिठाए ऐसे अल्लाह की तरफ से उनको मिल जाता था तो ये जो कमाआ है ये जो पौधा है ये जो मशरूम है ये ऐसे ही कहीं भी उगाता है मैंने इंसान को उसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी होती बिना कोशिश के कहीं भी ये उगाता है तो इसकी जो ये कैफियत है ना कि बगैर कोशिश के उग आना तो इस कैफियत की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मन से ताबीर किया है बहरहाल इस हदीस में ये तो इशारा मिलता है कि मन जो नाजिल हुआ था बनू इसराइल पे वो किसी एक गजा का नाम नहीं था क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मिनल सीमन लदी उस मन में से तो इसमें एक इशारा मिलता है कि वो कई तरह के, के खाने रहे होंगे कई तरह की गज़ाएँ रही होंगी कई तरह के पौधे रहे होंगे जिनको मन कहा गया है और अल्लाह तला ने जिसको मन कहा है तो उस मन के तहत इस नाम से कई तरह के खाने उनको दिए गए होंगे वह वसलवा और वसलवा परिंदे के नाम है तो मन और सलवा, यानी इनके लिए खाना और ये परिंदा गोश्त कर लीजिए तो ये अल्लाह ताला ने इनके लिए इंतज़ाम किया ये भी बहुत बड़ी नेमत है आदमी पेट के लिए तो सब कुछ करता है आप सोचिए अगर किसी के खाने पीने का इंतजाम हो जाए तो किस बात की फिक्र करेगा खाने पीने के लिए पेट के खातिर क्या कुछ नहीं इंसान करता है लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनु इसराइल का यह मसला भी हल कर दिया मन्न और सलवा नाजिल करता था तो अल्लाह ताला ने फरमाया व अनजलना अलैकुम लमन्ना व सलवा हमने तुम्हारे लिए मन्न और सलवा नाज़िल किया कुलो मिन तयबाति मा रज़क़नाकुम ये जो पाक रोजी हमने तुमको दी है इसमें से खाओ वोना इतनी सारी नेमतों को याद दिलाने के बाद अल्लाह तला इशारा कर रहा है कि इन लोगों ने इन नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं किया अल्लाह तला ने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया फिर ओन से फिर ओन की कौम से इनको निजात दिलाई इनके लिए बादलों से साया फ़राहम किया इनके लिए मन्न सलवा नाजिल किया बहुत कुछ किया ये मार दिए गए इन पर आजाब आया दोबारा जिंदा किया अल्लाह आलमीन ने इतना सब कुछ किया लेकिन इन लोगों ने अल्लाह की इन नेमतों की कदर नहीं की अल्लाह की इन नेमतों पर शुक्र अदा नहीं किया तो अल्लाह ताला आगे कह रहा है कि अगर इन्होंने शुक्र अदा नहीं किया तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं किया अल्लाह कहता वो अमाजालमू ना इन लोगों ने हम पर कोई जुल्म नहीं किया यज़लिमून लेकिन ये अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं ये खुद पर जुल्म कर रहे हैं अगर अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं तो ये अल्लाह ताला का कुछ नुकसान नहीं कर रहे हैं अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं अगर अल्लाह ताला ने किसी को नेमत दी हो तो देखिए उसके लिए बड़ी आसानी होती है इस दुनिया में अल्लाह ताला किसी को नेमत से नवाजे माल की नेमत से खाने पीने की चीज़ों की नेमत हो रहाइश की नेमत हो तो ये बहुत बड़ी चीज़ है दुनिया उसके लिए कितनी रंगीन कितनी हसीन बन जाती है तो इस तरह की नेमतें बनु इसराइल को मिली जिसको भी इस तरह की नेमतें मिले अगर वो उस पर अल्लाह तला का शुक्र अदा करे तो अल्लाह और देता है अल्लाह ताल और नमाजता है अल्लाह तला ने शुर इब्राहिम शुर चौदा आए सात में कहा है ल इन शकर तुम लजीदन नगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूँगा वल इन कफर तुम इन ना अदाबी ल शदी लेकिन अगर तुम ना शिक्री करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है तो अल्लाह रब्बुल आलमी की नेमतें मिले तो उस पर शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्र का मतलब क्या है कि चूंकि ये नेमतें अल्लाह की तरफ से आई हैं इसलिए सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और अल्लाह ताला की इताअत करनी चाहिए ये नेमतों का सिला होता है इस दुनिया में कोई चंद सिक्के आपको थमा दे चंद पैसे दे दे तो किस तरह से आदमी उस देने वाले का मुती फरमावरदार हो जाता है उसका फैन हो जाता है और अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें तुम्हें दी और तुम अल्लाह को छोड़कर किसी और के और अल्लाह तुष्टो तो बड़ी नाबुल तो ने बनु इसलिए कह चुका है की वो अंतम तत्ल किताब ऐसा भी नहीं की तुम जाही लो तुम्हें पता नहीं अल्लाह तारी नुमारे ऊपर और तुम्हें सब पता है तुम्हें सारी हकीकत मालूम है अल्लाह के नबी सला की सच्चाई कुरान की सच्चाई ये सब तुम्हें मालूम है तुम इल वाले हो उसके बावजूद भी न इलिम से फायदा उठा रहे हो ना अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रदा कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी ने इंसाफी है अगर ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा अजाब तुम्हारे हिस्से में आएगा तो खलासा ये कि इन आयात में अल्लाह तबारक ताली ने बनो इसराइल पर अपनी नाजिल करदा नियमतों को याद दिलाया है और उस हवाले से उनके सामने ये बात रखी है कि तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की बातों को मानना चाहिए अल्लाह पर ईमान लाना चाहिए रसूल पर ईमान लाना चाहिए इंशाल्लाह ये सिलसिला और आगे बढ़ेगा अभी वक्त खत्म हो चुका है हम इसी पर इख्तिफा करते हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद समझने उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक एता फरमाए आमीन या रब्बाल इस सीरीज को बनाने में खालिद अल उमैरी और उनकी फैमिली ने पूरा दाऊन किया है ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें